बच्चों, आज हम कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी काय, राइबोसोम्स, तारक काय, लाइसोसोम्स, केंद्रक और केंद्रिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। पोर्टर नाम के वैज्ञानिक के अनुसार इकाई झिल्ली से बनी हुई इकाई झिल्ली से बनी हुई रिक्तिकाओं से संबंध एक जटिल ऐसा जटिल प्रणाली जिसके अंदर एक धूसर पदार्थ भरा हुआ होता है या एक गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ होता है, जो जिसकी स्ट्रक्चर जो है, जिसकी संरचना नलिका युक्त होती है, उस संरचना को अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके खोज जो है सबसे पहले गार्नियर नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है शरीर के कोशिकाओं में एक ऐसा कोशिकांग है जो पदार्थों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात कोशिका के बाहर के पदार्थों को कोशिका के अंदर और केंद्रक के जो बाहर पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों को जो है कोशिका के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये सभी जीवों में जो है पाया जाता है। कुछ जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, फिर स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिका या आरबीसीस में जो है नहीं पाया जाता। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ऐसे कुछ जीव हैं जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, और जो स्तनधारी के जो आरबीसीस हो गए, लाल रक्त कणिका हो गया, इन्हीं पर ये नहीं पाया जाता। उसके अलावा समस्त जीवों में जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका पाया जाता है, जिनकी संख्या 2 से अधिक हो सकता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या इसकी संगठन के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका और दूसरा चिकना अंतःप्रद्रव्यी जालिका। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मुख्य रूप से, या अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकना अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब यहाँ पर कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका किसको कहते हैं? ऐसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से चिपका हुआ नलिका नुमा इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, और केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार की जो नलिकाएं होती हैं जिसमें राइबोसोम्स के कण जो है चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम के कण चिपके हुए होने के कारण इसकी जो संरचना होती है वो कणिका के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार ये जो केंद्र के बाहर एक नलिका नुमा संरचना है जिसमें इस प्रकार राइबोसोम्स के कण चिपके हुए हैं, इन्हीं को कहा जाता है रफ ईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दूसरा चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, तो चिकना अंतःप्रद्रवी जो जालिका होते हैं वो मुख्य रूप से कोशिका के जो बाहर प्लाज्मा झिल्ली होता है उस प्लाज्मा झिल्ली से चिपके हुए होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स के कणों का अभाव होता है या राइबोसोम्स उसमें चिपका हुआ नहीं पाया जाता, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्मूथ ER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस प्रकार से मुख्य रूप से जो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होते हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक तो रफ ER और दूसरा स्मूथ ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना को देखें उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एकहरी या इकाई झिल्ली की बनी हुई रचना होती है, अर्थात इकाई झिल्लियों द्वारा बराबर रचना होता है जो रिक्तियों और फिर कोशिकाओं या कोशिकाओं के रूप में खनिज लवण प्रोटीन्स और जो विकार जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें जो नलिकानुमा जो संरचनाएँ होती हैं जिसको कोश या सिस्टर्नी कहते हैं, तो पहली संरचना हो गई कोश या सिस्टर्नी, कोशिकाओं में इस प्रकार की नलिका नुमा जो संरचनाएं होती हैं जिसपे राइबोसोम्स के कण चिपके हुए पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है सिस्टर्नी। दूसरा इसका भाग है आशय या वेशिकेल, कोशिका के जो अंदर जो केंद्रक के चारों ओर जो नलिकानुमा संरचना है जिनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार नलिका के रूप में होता है वो कहलाता है कोश या सिस्टर्नी, और फिर दूसरा आशय या वेसिकल्स, तो जो गोलाकार जो संरचनाएं होती हैं इस प्रकार के विभिन्न साइज के जो गोलाकार संरचनाएं जो होती हैं ये कहलाते हैं वेसिकल्स। फिर तीसरा नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स, तीसरी जो संरचना होती है मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका की जो तीसरा संरचना होता है वो है नलिकाएं। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे नलिका नुमा शाखित संरचना वाली जो रचनाएं पाई जाती हैं जिनको नलिका कहा जाता है, जो मुख्य रूप से इस प्रकार नलिका के आकार के होते हैं जो शाखित भी होते हैं और सीधी श्रृंखला वाले भी होते हैं। ये हो गए ट्यूब्यूल्स। इस प्रकार से एक अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संरचनाएं हमको दिखाई देंगे, तीन प्रकार की संरचना है, एक तो सिस्टर्नी या फिर कोश, दूसरा आशय या वेसिकल्स, और तीसरा ट्यूब्यूल्स या फिर नलिकाएं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की रचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये जो रचनाएं होती हैं ये रचनाओं के माध्यम से ही जो पदार्थों का अवगमन या बहिर्गमन मतलब कोशिका के बाहर से पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रविष्ट होते हैं या फिर कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ जो है कोशिका के बाहर जाते हैं, तो इन्हीं रचनाओं के माध्यम से या इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से आवागमन करते हैं। अब हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य। अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य
तो अंतःप्रद्वी जो जालिका है, कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य होता है एक तो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मतलब कोशिका को जो है एक यांत्रिक सहारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं और राइबोसोम्स के कणों का मुख्य कार्य होता है, या राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो वो जो है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ है और उसके द्वारा जब प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है तो वो कुल मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें सहयोग कर रहा है। इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय जो कोशिकी जो झिल्ली होती है इसके निर्माण में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर प्रोटीन को जो है संचित करके रखने का भी कार्य करते हैं और केंद्रक के जो है विभिन्न अनुवांशिक पदार्थों के जो आवागमन है उस आवागमन को नियंत्रित करने या लाने ले जाने का कार्य करते हैं। फिर अगला वो देख लेते हैं गॉल्गी या गॉल्जी काय, या इसी को कहते हैं गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी। ये गॉल्जी काय या गॉल्जी जो बॉडी होती है वो रुधिर कोशिकाओं को छोड़कर सभी प्रकार के जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, ऐसी कोशिका जिसके चारों ओर स्पष्ट केंद्र की आवरण पाया जाता है, उन कोशिकाओं में जो है दो से छः या दस की संख्या में जो है कुछ झागनुमा या बबल्सनुमा जो संरचनाएँ पाई जाती हैं या रिक्तिनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हीं रिक्तिनुमा संरचनाओं को गॉल्जी काय या फिर गॉल्जी बॉडी कहा जाता है। इसको सबसे पहले कैमेलियो गॉल्गी नाम के वैज्ञानिक द्वारा कैमेलियो कैमेलियो गॉल्जी नाम के वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले इसको खोजा गया था, इसलिए इसको उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी। काय मतलब होता है बॉडी या फिर बॉडी ही बोलेंगे, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय। चूँकि खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं गॉल्जी कैमेलियो गॉल्जी, इसलिए उस संरचना का जो है नाम पड़ा कैमेलियो गॉल्गी। इसके लिए सन 1906 में गॉल्जी बॉडी को जो है गॉल्जी कैमेलियो गॉल्गी नाम के वैज्ञानिक को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोशिका के अंदर जो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी काय के खोज करने के लिए। तो ये जो गॉल्जी काय जो होते हैं वो विशेष प्रकार की रिक्तियों या फिर कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको रिक्तियो सोम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम इस गॉल्जी काय की संरचना को देखें, गॉल्जी काय की संरचना, तो इघरी झिल्ली से बनी हुई एक ऐसी संरचना होती है जो बहुत सारे रिक्तियों से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब जो जिसकी दोहरी इकाई होती है। इस दोहरी इकाई में कुछ चपटे संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको चपटे कोश के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसके संरचना में मुख्य रूप से चपटे कोश, इस चपटे कोश को जो है सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। जैसे इसकी संरचना बनाएं तो जैसे हम साबुन को जो है यदि पानी में डालकर उसको खंगालें तो इस प्रकार से कुछ संरचनाएं जो है बनेंगी। प्रकार की झागदार संरचनाएं होती हैं, यहाँ पर इसमें जो चपटे कोष होते हैं सिस्टर्नी, ये
बीच बीच में इस प्रकार के जो कोश जो होते हैं और जिनकी लंबाई अधिक होती है इनको कहा जाता है सिस्टर्नी या चपटे कोश। दूसरी इसकी संरचना है वेसिकल्स। वेसिकल्स तो यहाँ पर ये जो गोलाकार जो संरचनाएं होती हैं ये गोलाकार संरचनाओं को वेसिकल्स कहा जाता है, जो पूरी चपटे कोशों के बीच में भी उपस्थित होते हैं और ऊपर भी पाए जाते हैं। तीसरी संरचना होता है वैक्यूल्स। यहाँ पर ये जो ऊपर में जो संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के वैक्यूल्स कहलाते हैं, या इसी वैक्यूल्स को हम रिक्तिकाएं भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के मुख्य संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो चपटे कोश या सिस्टर्नी, फिर आशय या वेसिकल्स, और फिर वैक्यूल्स या फिर रिक्तिकाएं। तो इन रिक्तिकाओं या रिक्तियों से मिलकर ये बने हुई संरचना ही कहलाता है गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी। अब हम गॉल्जी बॉडी के कार्य को देख लेते हैं। गॉल्जी काय के कार्य, तो जो गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो है पदार्थों के उपापचय की क्रिया में मदद करना, उपापचय क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। फिर विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थों के संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर जो इनके अंतः जो स्रावी भाग होते हैं इन अंतःस्रावी भागों द्वारा अंतःस्रावी पदार्थ जो है इन्हीं के द्वारा जो है निर्मित होते हैं या निर्माण किए जाते हैं। फिर अनेक प्रकार के जो जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स इत्यादि का ये निर्माण भी करते हैं। फिर उपास्थियों के आधार पदार्थ के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति के निर्माण और उनके जो निर्माण की जो दर है उसको ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये तो हो जाएंगे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य। अब अगला देखते हैं, अगला कोशिकांग पांचवा कोशिकांग है लयन काय या इसी को कहते हैं लाइसोसोम, लयन काय या लाइसोसोम। ये भी इकाई झिल्ली या एकहरी झिल्ली से बनी हुई दोहरी रचना होती है जो शरीर की कोशिकाओं में कोशिका के अंदर जो है कोशिकांग के रूप में जो है उपस्थित होते हैं। ये जो लयन काय होते हैं या लाइसोसोम्स जो होते हैं ये लाइसोसोम्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें लाइसो का मतलब होता है पाचक और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। सोम्स का मतलब हो गया काय अर्थात पाचक काय। पाचक काय इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि एक संरचना होता है या ऐसा कोशिकांग होता है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो है पाचन करने में मृत कोशिकाओं का पाचन करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये चूंकि पाचक काय है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। वो पाचक एंजाइम्स जो हैं मृत जितने भी कोशिकांग होंगे या मृत जितने भी पदार्थ होंगे उसको पचाकर जो है कोशिका के वातावरण को नष्ट होने से बचाते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विकारों का जो है या एंजाइमों का सिक्रेशन किया जाता है वो विकार या एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए के डुप्लीकेशन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा कोशिका के वातावरण को कोशिका के वातावरण को जो है शुद्ध या स्वच्छ बनाकर रखने का कार्य करते हैं। लयन काय में एक विशेषता पाई जाती है कि इसमें जो पाचक एंजाइम्स होते हैं इन पाचक एंजाइम्स में एक स्वपाचक एंजाइम्स भी होता है। स्वपाचक मतलब इसके द्वारा जो है स्वपाचक एंजाइम्स का या विकार का जो है सिक्रीशन किया जाता है। जब इस
लैन का जो लाइसोसोम को मृत कोशिकांग नहीं मिलते उस समय ये अपने चारों ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली होती है इस झिल्ली को ही पचा डालता है या पचाकर उसको नष्ट कर देता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को हम किस नाम से ज़्यादा जानते हैं? आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या का मतलब क्या होता है कि खुद का जीवन को जो है खुद से क्या करना, नष्ट करना। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के मृत पदार्थों को तो हटा देता है, उसको पचाकर जो है नष्ट कर देता है, लेकिन जब इसको भोजन या मृत पदार्थ या मृत कोशिकांग नहीं मिलते उस समय ये स्वयं को ही, स्वयं के चारों जो पाए जाने वाली कला को ही नष्ट कर देता है और नष्ट करके नष्ट कर देता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण इसको इसका नाम पड़ा हुआ है आत्महत्या की थैली। अभी लाइसोसोम्स के जो कार्य को देख लें, लाइसोसोम्स के कार्य तो लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य होता है विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का निर्माण करना और उन पाचक एंजाइमों की सहायता से जो है मृत जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों का भक्षण करना। इसमें एक विशेष प्रकार के भक्षकाणु पाया जाता है या फेगोसाइट्स होते हैं जिसके द्वारा उन पदार्थों को जो है फेगोसाइट्स को जो है ग्रहण करते हैं। जैसे इस प्रकार इसमें संरचनाएँ जो होती हैं फेगोसाइट्स होते हैं जिसके द्वारा मृत जो कोशिकांश होते हैं मृत सेल्स होते हैं उसको ये जो फेगोसाइट्स कोशिका द्वारा शरीर के अंदर ले लेता है और अंदर लेकर उसको इसके अंदर जो रेसिडुअल या पाचक जो एंजाइम्स जो भरे रहते हैं इन पाचक एंजाइम्स के द्वारा उसको पचाकर नष्ट करता है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स भरा रहता है पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो ये फेगोसाइट्स क्रिया द्वारा, फेगोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं द्वारा मृत कोशिकांगों को शरीर के अंदर लेकर या इसके कोशिकांग के अंदर लेकर उनको एंजाइमों की सहायता से डाइजेस्ट करके या भक्षण करके मतलब पचा देता है। इस कारण ही इसका नाम पड़ा हुआ है पाचक या क्या बोलते हैं लयन का है। तो इसका मुख्य कार्य हो गया मृत पदार्थों को जो है मृत कोशिकांगों को भक्षण करना, फिर यदि मृत कोशिकांग नहीं मिले तो स्वयं की कोशिका को भी नष्ट कर डालना। इसके अलावा अनशन के समय जब शरीर की कोशिकाओं को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस समय उस ऊर्जा की प्रतिपूर्ति भी लयन काय के द्वारा ही किया जाता है। फिर शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर जो फ्यूज होता है निषेचित होता है तो ये लयन काय की उपस्थिति के कारण या लयन काय के कारण ही जो है वो फ्यूज हो सकता है, क्योंकि एक अंडाणु के अंदर जो है शुक्राणु का जो एक्रोसोम्स और उसके जो मिडिल पीस होता है वो इसके अंदर प्रविष्ट होता है। जिस स्थान से वो प्रविष्ट होता है वो लयन काय के द्वारा विशिष्ट एंजाइम्स का या विशिष्ट पदार्थ का जो है सिक्रेशन किया जाता है, जिसके कारण वो इसके अंडाणु के अंदर शुक्राणु जो है प्रविष्ट होता है। तो ये तो हो गया लयन काय और उसके कार्य। अब अगला देख लेते हैं अगला कोशिकांग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सर्वप्रथम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है पैलेड नाम के वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया था। जीवों के शरीर में जो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं उन समस्त यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के शरीर में जो है गोलाकार संरचना कलाविहीन जो संरचनाएं पाई जाती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए या माइटोकांड्रिया में चिपके हुए या फिर जो क्लोरोप्लास्ट में चिपके हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो कणिकामय हो जाती है। उन संरचनाओं को राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं इनका जो व्यास होता है लगभग 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। राइबोसोम्स का जो व्यास होता है लगभग 250 एंगस्ट्रॉम व्यास वाला होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राइबोसोम्स पर। तो जो राइबोसोम्स जो है मुख्य रूप से प्रोटीन
प्लस आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन क्या है इसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है। यहाँ पर एक दूसरा आ गया राइबो आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड अर्थात एक केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रकी या नाभिकी अम्ल होता है, जो कुछ जीवों में जो है अनुवांशिक मटेरियल्स के रूप में भी काम आता है। तो जो प्रोटीन और आरएनए के समान मात्राओं में आपस में मिलकर एक संरचना बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इसकी रासायनिक संगठन या फिर इसके अवसाद गुणांक के आधार पर इसमें पाए जाने वाली जो सेडिमेंटेशन गुणांक या फिर अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो 70S राइबोसोम्स और दूसरा 80S राइबोसोम्स। इस प्रकार से ये राइबोसोम्स के अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स को दो प्रकार से या दो भागों में बांट दिया गया है, 70S राइबोसोम्स और दूसरा 80S राइबोसोम्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे कोशिका जिसके चारों ओर केंद्रकीय आवरण का अभाव होता है, ऐसे कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और उन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है, अर्थात जिसका अवसाद गुणांक जो होता है वो 70S होता है। फिर जो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं या ट्रू कोशिका वाले या फिर स्पष्ट केंद्रकी आवरण युक्त जो कोशिका वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है, अर्थात इसका अवसाद गुणांक जो होता है वो 80S प्रकार का होता है। ये दोनों जो राइबोसोम्स होते हैं ये मुख्य रूप से दो दो उप इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे 70S राइबोसोम जो है इसके दो उप इकाइयाँ हैं, एक इकाई छोटी होती है और एक इकाई बड़ी होती है। जो छोटी इकाई है वो 30S का होता है और जो बड़ी इकाई है वो 50S कॉन्फ़िगरेशन गुणांक वाला होता है। तो इसके 70S जो राइबोसोम्स हो गया, इसके दो उप इकाइयाँ हो गई, एक तो 30S और दूसरा 50S। अब ये जो 30S छोटी अवसाद प्लस जो बड़ी इकाई उप इकाई, ये दोनों जो है मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयंस के उपस्थिति में आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और जुड़कर जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। और राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जो कोशिकाओं में मैग्नीशियम आयन होते हैं, वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये जो उप इकाइयाँ जो है आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं और जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है तो इस प्रकार एक छोटी इकाई ऊपर, बड़ी इकाई नीचे, फिर छोटी इकाई ऊपर, बड़ी इकाई नीचे, इस प्रकार से आपस में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य को जो है संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार ये 70S राइबोसोम्स हो गए, जिसके दो अवसाद गुणांक हो गए, एक तो 30S और दूसरा 50S। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में मिलकर एक इकाई बनाए, जिसको हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स। अब दूसरा देखते हैं 80S राइबोसोम्स। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनमें पाया जाने वाला जो राइबोसोम्स होता है वो 80S प्रकार का होता है, जो पुनः दो उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक छोटी इकाई होती है, ये छोटी इकाई 40S कॉन्फ़िगरेशन गुणांक वाला होता है और इसकी जो बड़ी इकाई होती है ये होता है 60S कॉन्फ़िगरेशन गुणांक। और ये भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसके फिर से दो अवसाद गुणांक हो गए, एक तो 40S और दूसरा 60S। तो इस प्रकार जो राइबोसोम्स होते हैं मुख्य रूप से अवसाद गुणांक के आधार पर, सेडिमेंशन गुणांक के आधार पर जो है दो प्रकार हो गए, 70S और 80S। अब इसमें जो ये इकाइयाँ जो हैं, ये उप इकाइयाँ आपस में जब प्रोटीन संश्लेषण का जब कार्य संपन्न करना रहता है, तो उस समय जैसे जैसे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो इकाइयाँ जुड़ते जाते हैं। अब मान लो सेल में या कोशिकाओं में जो है मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाए,
तो उस कंडीशन में ये जो उप इकाइयाँ जो होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ पाते, और जब आपस में नहीं जुड़ पाएंगे तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए शरीर की कोशिकाओं में जो है या कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति या मैग्नीशियम आयन का उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राइबोसोम्स के द्वारा किया जा रहा है। यही जो प्रोटीन जो है, जितने भी हमारे शरीर में संश्लेषित होने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा ही संश्लेषित होते हैं। हमें मालूम है कि हमारे शरीर की जो संरचना प्रोटीन जो है हमारे शरीर का संरचनात्मक घटक है, ये प्राथमिक पदार्थ है, इसी प्राथमिक पदार्थ के द्वारा पूरे शरीर की संरचना का निर्माण हुआ है। और इस प्राथमिक पदार्थ का जब तक शरीर में संश्लेषण नहीं होगा तब तक शरीर की जो संरचना जो है बैलेंस नहीं रहेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए लगातार शरीर में प्रोटीनों का संश्लेषण होता रहता है, और उस संश्लेषण प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम्स। अब अगला कोशिका अंग देख लेते हैं। तारक काय या तारक केंद्र, या सेंट्रीओल, तारक केंद्र या सेंट्रीओल, तो सभी जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं को छोड़कर सभी जंतु कोशिकाओं में जो है उसके केंद्रक के ऊपर एक कलाविहीन जो है कुछ संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन के समय तरकु जो निर्माण है, मतलब तरकु या स्पिंडल जो फाइबर्स जिसको बोलते हैं, उस स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में जो है मुख्य भूमिका निभाता है, उस संरचना को हम कहते हैं तारक केंद्र या फिर सेंट्रीओल। ये जो चल कोशिकाएँ जो होती हैं, चल सहवाल जो होते हैं, चलायमान जो पौधे होते हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, जो सूक्ष्म जो पौधे हैं जो पानी में या जल में पाए जाते हैं, जलीय जो पौधे होते हैं, इन पौधों में भी सेंट्रीओल या तारक काय पाया जाता है। ये जो तारक केंद्र जो होता है वो जंतु की कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर और नीचे एक दूसरे से 90° के कोण बनाते हुए स्थित होते हैं, जो सेंट्रोस्फीयर के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनका जो व्यास होता है लगभग 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक सेंट्रीओल का जो व्यास होता है वो लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम से 2500 तक होता है, 1500 से 2500 एंगस्ट्रॉम तक के व्यास वाला होता है। इसकी संरचना को देखें, इस प्रकार इसमें बहुत सारे धागा इस निर्माण किया जाता है, कोशिका विभाजित होता है उस समय, इन्हीं को कहा जाता है तारक केंद्र या सेंट्रीओल। यहाँ पर ये हो गया, और इसमें जो धागे तैयार किए जा रहे हैं इन धागों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करने का कार्य करता है सेंट्रीओल या सेंट्रोसोम्स। अब हम देख लेते हैं इसका कार्य। तो कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण तारक केंद्रक द्वारा या सेंट्रीओल के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा ये जनन कोशिकाओं के विभाजन को जो है प्रेरित करने का भी कार्य करते हैं, जो जनन कोशिकाएं जो है इन्हीं के प्रेरण द्वारा या इन्हीं के प्रेरणक द्वारा इन्हीं के प्रेरणक द्वारा जो है विभाजित होते हैं या विभाजन की क्षमता रखते हैं। फिर अगला कोशिकांग देख लेते हैं। अगला कोशिकांग केंद्रक या न्यूक्लियस। सभी जीवों के कोशिकाओं में जो है एक गोल या अंडाकार या तस्तरीनुमा एक कोशिका के बीचों बीच संरचना पाई जाती है, जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके द्वारा कोशिका में होने वाले समस्त क्रियाओं को जो है नियंत्रित किया जाता है या उनको समन्वय नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। ऐसी संरचना को हम कोशिका का केंद्रक कहते हैं। एक जो केंद्रक जो होता है ये मुख्य रूप से नियंत्रक का कार्य करता है। जिस प्रकार एक परिवार में एक मुखिया होता है और उस मुखिया के द्वारा परिवार के सदस्यों पर जो है पूर्णतः नियंत्रण रखा जाता है, उनको कार्यों का विभाजन किया जाता है और परिवार के सदस्यों द्वारा जो जो कार्य हुआ या नहीं हुआ उसका पूरा निगरानी किया जाता है। उसी प्रकार कोशिका के अंदर होने वाले पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके कार्यों का और उनकी क्रियाओं का जो है पूरा नियंत्रण जो है नियंत्रण करने का जो कार्य करता है उस संरचना को कहा जाता है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कुछ ऐसे जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनमें जो है केंद्रक का अभाव होता है, तो जहाँ पर केंद्रक नहीं होता वहाँ पर केंद्रिकाएं जो होती हैं वो उनके द्वारा उन कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। जैसे स्तनधारियों के जो आरबीसीस होता है वो स्तनधारियों का जो आरबीसीस है या लाल रक्त कणिका आरबीसीस या इसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका, ये पूर्णतः केंद्रक विहीन होता है अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। एक रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार बेलर नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक जो है परिभाषित किया। बेलर के अनुसार केंद्रक कोशिका द्रव्य द्वारा घिरी हुई एक ऐसी संरचना होती है या फिर ऐसी रचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का जो है निर्माण करती है। मतलब कोशिका द्रव्य से घिरी हुई एक ऐसी संरचना जो कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय गुणसूत्रों का जो निर्माण करने वाला होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक। अब हम देखते हैं केंद्रक की स्ट्रक्चर, केंद्रक की संरचना किस प्रकार होती है। केंद्रक की संरचना यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से केंद्रक को देखें तो सबसे पहले हमें केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी कलायुक्त जो है आवरण दिखाई देगा। इस आवरण को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो है छिद्र पाए जाते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। क्योंकि दो झिल्ली है इसलिए जो आउटसाइड में है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है और अंदर साइड जो है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये जो आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है जो पदार्थ केंद्रक के लिए आवश्यक होते हैं उन पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देना और उनको बाहर जाने देना। ये केंद्रक के चारों ओर जो है विशिष्ट कण जो है चिपके हुए होते हैं जिसको कहा जाता है राइबोसोम्स।
अंदर बाहरी लेयर में होगा ये, अंदर आंतरिक लेयर में जो है राइबोसोम्स नहीं होगा। ये हो गया राइबोसोम्स। फिर इसी केंद्रकीय मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ये नलिकानुमा संरचनाएं कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे जो कणिकाएं जो चिपके हुए हैं ये होते हैं राइबोसोम्स। फिर यहाँ पर एक कलाविहीन एक और संरचना पाई जाती है, एक कलाविहीन जो संरचना होती है इसको कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। एक केंद्रिका जो होता है जब कोशिका विभाजित होती है तो उस समय कोशिका केंद्रक के समस्त कार्यों का जो संपादन जो है केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे उलझे हुए धागे संरचनाएँ पाई जाती हैं, इन संरचनाओं को कह देते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स, यही क्रोमेटिन फाइबर्स जो है आपस में श्रृंखलाएं बनाकर इस प्रकार उलझे हुए धागे के रूप में और गाढ़े धागे बना लेते हैं ऐसा। इन गाढ़े धागों को क्रोमेटिड्स कहा जाता है। यही क्रोमेटिड्स आगे चलकर जो है गुणसूत्रों का जब अधिक संघनित हो जाते हैं तो इन्हीं क्रोमेटिड्स के द्वारा क्रोमेटिन फाइबर्स के द्वारा गुणसूत्रों का निर्माण होता है, अर्थात यही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। फिर इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इस द्रव को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्य रूप से केंद्रकी अम्ल और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के जो पचने के पश्चात जो सरल अणु बनते हैं वो सरल अणु यहाँ पर विद्यमान होते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इन केंद्रक द्रव्य के द्वारा जितने भी यहाँ पर कोशिकांग और जो कोशिकी स्ट्रक्चर मतलब केंद्रकी जो स्ट्रक्चर होती है उनका पोषण होता है। यह न्यूक्लियोप्लाज्म और इस केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, जीवद्रव्य कहलाते हैं। उसी जीवद्रव्य को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो इसमें अब इसकी वो देख लेते हैं, सबसे पहले संरचना में क्या मिला, एक कोश केंद्रकी झिल्ली मिला। एक केंद्रकी झिल्ली जो है दोहरी स्तर से मिलकर बना हुआ है, जो बाहर साइड जो लेयर है वो कहलाता है आउटर लेयर और अंदर साइड जो लेयर है वो कहलाता है इनर लेयर या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो कोशिका केंद्रक जो झिल्ली होता है उसका मुख्य कार्य होता है विभेदकी पारगम्यता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक निश्चित या आवश्यक पदार्थों को ही केंद्रक के अंदर प्रविष्ट होने देते हैं। फिर दूसरी इसकी महत्वपूर्ण संरचना, इसमें जो बीच बीच में जो छिद्र होता है इस छिद्रों के द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपका हुआ होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर जो पदार्थों का जब आवागमन होता है तो उस पदार्थों के आवागमन को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर जो तीसरी महत्वपूर्ण जो संरचना हमने लिखा है न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस जो है मुख्य रूप से इस प्रकार की इसकी संरचना होती है जिसमें प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो ग्रेन्यूल्स के रूप में कणों के रूप में इस प्रकार इनमें पाए जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स, फिर इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है ये कहलाता है
अधात्री या मैट्रिक्स, फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन फाइबर्स, इसके अंदर बिखरे हुए होते हैं, जिसका कार्य होता है जब कोशिका विभाजित होता है, सॉरी केंद्रक जब विभाजित होता है तो कोशिका के या केंद्रक के समस्त कार्यों का निष्पादन जो है केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं केंद्रक के कार्य, केंद्रक का कार्य क्या है। तो केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों पर नियंत्रण रखना, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करना। इन्हीं के द्वारा जो है कोशिकाएं विभाजित होते हैं, क्योंकि इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है, मुख्य रूप से जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ, मतलब डीएनए होता है, और डीएनए में जो है द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है, जिसके कारण केंद्रक जो है पहले विभाजित होता है, मतलब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, अर्थात मुखिया का विभाजन होता है, और उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये केंद्रक कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर जब प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं में जो है प्रोटीन का उत्पादन करना रहता है, तो उस समय आरएनए का संश्लेषण, आरएनए जो है तीन प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें से मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण या प्राइमर जो आरएनए का संश्लेषण जो है इन्हीं केंद्रक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोशिका को की जो वृद्धि की क्रिया है, इस कोशिका की वृद्धि की क्रिया को भी केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। फिर अनुवांशिक गुणों को जो है वहन करना, अर्थात अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमैटिन फाइबर जो आगे दृढ़ धागे संरचना दृढ़ संरचना का निर्माण करते हैं, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, उन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक या पैतृक लक्षण को माता पिता से संतान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया केंद्रक की संरचना और केंद्रक के कार्य। तो बच्चों, आज आपने कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना और कार्य, गाल्जी काय की संरचना और कार्य, राइबोसोम्स की संरचना व कार्य, तारक काय की संरचना व कार्य, फिर लाइसोसोम्स की संरचना व कार्य, फिर केंद्रक और केंद्रिका की संरचना व कार्यों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।